जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत ने एक काफी बड़ा माइलस्टोन स्पेस सेक्टर में अब प्राप्त कर लिया है, क्योंकि भारत की स्पेस सेक्टर की पहली हमारी स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम अग्निकुल कॉस्मोस है, उन्होंने अग्निबान रॉकेट को लॉन्च किया है, जो कि भारत का और विश्व का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन की टेक्नोलॉजी है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और ये लॉन्च भारत के लिए माइलस्टोन किस प्रकार से है इसके बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। हम जानते हैं कि भारत में स्पेस सेक्टर में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो अभी आपकी है और काफ़ी बड़ा वर्क वो किया करती हैं। भारत में स्पेस और साइंस टेक्नोलॉजी में जो भी हमारे द्वारा हमको अचीवमेंट मिली है वो इसरो ने ही दी है, और अब धीरे धीरे करके भारत सरकार के द्वारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स और प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी लाने दिया जा रहा है। और अभी हाल ही में हमारी अग्निबान को जो कि एक रॉकेट है इसको फायर किया गया है। ये विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जो कि सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से आपका निर्मित किया गया है, और इसको नाम दिया गया है इस रॉकेट को अग्निबान, जिसको अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने बनाया है। और ये भारत की एक हमारी स्पेस सेक्टर की स्टार्टअप कंपनी है, और इन्होंने जो अचीवमेंट आपकी प्राप्त की है उसको लेकर पूरे देश और विदेश में इनका डंका बज रहा है, जहां पर इसरो के द्वारा इनको बधाइयां दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके इनको जो है अपने तरफ से शाबाशी दी। द मिशन फीचर्ड 6.2 मीटर टॉल सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल विथ एन एलिप्टिकल नोज कोन, वॉज इक्विप्ड विथ एडवांस एवियोनिक्स आर्किटेक्चर एंड ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर डेवलप इन द हाउस। तो इस प्रकार से आप प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस सेक्टर में आ रहे हैं। अभी तक जितने भी रॉकेट बनाए जाते हैं या फिर लॉन्च होते हैं वो इसरो ही करता है, लेकिन ये अब इस तरीके से होने लगा है कि स्काई रूट भी भारत की एक स्टार्टअप कंपनी है, अग्निकुल कॉस्मोस भी है, और अब अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को आपका लॉन्च किया है। तो इस प्रकार से भारत के द्वारा एक माइलस्टोन आपकी प्राप्त की गई है। बे ऑफ बंगाल में ये रॉकेट इसके बाद आपका स्प्लैश डाउन हुआ और इसने सक्सेसफुल अटेम्प्ट में अपने जो भी इनको आपका टारगेट दिया गया था उसको अचीव कर लिया है। अग्निबान की बात करें तो ये 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। अब 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी होती क्या है? तो मेनली जो रॉकेट्स रहा करते हैं उनको पार्ट्स में हम बनाते हैं, उसके बाद असेंबल कर देते हैं, लेकिन 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी में एक ही रॉकेट में उसका पूरा स्ट्रक्चर एक ही रहता है, उसको पार्ट वाइज नहीं बनाया जाता है, और उसमें जितने भी फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स रहते हैं उनको आपका इंटीग्रेट कर दिया जाता है। ऑक्सीजन फ्यूल के साथ इसको आपका लगाया गया था और इसने सेमी ऑर्बिट में जाकर जो है अपने लक्ष्य को पाया। अब देखिए, ये जो हमारी ग्रेविटी की लिमिट होती है उसको पार करने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए, और अगर आप उस स्पीड से आगे बढ़ेंगे तो आप पलायन वेग के माध्यम से ग्रेविटेशनल लिमिट को पार कर देंगे और लो अर्थ ऑर्बिट में वो रॉकेट या फिर आपका सैटेलाइट चला जाएगा। लेकिन इन्होंने जो है सेमी अर्थ ऑर्बिट आपका रखा और एपोजी इनकी लगभग 8 किलोमीटर की थी, और बेहतर तरीके से इनने और आपका वर्क किया। उसके बाद बे ऑफ बंगाल में आके स्प्लैश डाउन आपके हो गए। इस प्रकार से इन्होंने अपने 5वीं बार में आप सफल हुए हैं। इससे पहले इनके द्वारा जो है 4 बार इसको आपका किया गया था, लेकिन 4 बार में सफलता इनको नहीं मिली थी। और ये जो अग्निकुल है ये टारगेट कर रहे हैं कि मल्टी बिलियन डॉलर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट को एब्जॉर्ब करें और वहां पर अपनी पकड़ आपकी बना सकें। वहीं पर ये जो रॉकेट है वो 300 किलोग्राम पेलोड के 700 किलोमीटर ऑर्बिट में जाकर जो है कैपेबल है कि अपने वर्क को सही तरीके से आपका कर पाए। अग्निकुल की अगर हम जर्नी देखें तो 2017 में इसको IIT ग्रेजुएट्स श्रीनाथ रविचंद्रन, मोइन SPM प्रोफेसर SR चक्रवर्ती के द्वारा आपका मिलकर बनाया गया था, जिसमें नेशनल सेंटर फॉर कंप्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन प्रमाइसिस ऑफ IIT मद्रास आपकी शामिल हैं, और इनको सबसे अधिक अगर कोई बल दे रहा है तो वो IIT मद्रास, साथ ही साथ हमारे इसरो है। भारत सरकार चाहती है कि इसरो के पैरेलल ही हमारी जो प्राइवेट सेक्टर की स्पेस सेक्टर कंपनीज हैं उनका निर्माण आपका होता जाए, जिससे कि ये सब कंपनीज क्या करें
कि ये रॉकेट्स को लॉन्च करें और इसरो क्या करे कि वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका कर सके और इसरो के कंधों से आपका बोझ कम हो पाए। जब ये स्टार्टअप शुरू हुआ तो इनकी फंडिंग सीड फंडिंग 3 करोड़ रुपए थी। 2021 में जब इन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, ओके, जिसकी एबिलिटी आपकी 100 किलोग्राम थी, फिर इनको आपका फंडिंग मिलने लगा। 2020 के लास्ट में इनको 4 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग आपकी हुई और फिर 2023 में 26.7 मिलियन डॉलर, तो कुल मिलाकर इनके पास अभी 40 मिलियन यूएस डॉलर हैं। आपने शार्क टैंक तो देखा होगा, कोई भी स्टार्टअप कंपनी होती है तो अपना आइडिया प्रेजेंट करती है, वो ये दिखाते हैं कि हमने अभी एक्चुअल काम क्या किया है और इन्वेस्टर उनके काम को देखकर, उनके फ्यूचर को देखकर जो है इन्वेस्ट करता है। तो 40 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्ट आपका हो चुका है। पांचवी बार में इनके द्वारा जो सफल प्रयास आपका किया गया है ये काफी हिस्टोरिक है और इस प्रकार से इन्होंने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को आपका प्रक्षेप कर दिया है। जल्द ही एक और नए लॉन्च के साथ आएंगे। इसी प्रकार से भारत की स्काई रूट कंपनी है, वो भी अपने लॉन्च को इस साल के अंत तक करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रन विद दिस एसबी क्रैक एग्जाम, बंडस्टेसरी, सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। वो और टेन कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।